हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं सनटेक रियलिटी स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम इस स्टॉक पर पहले दो बार वीडियो बना चुके हैं, दोनों बार अलग अलग रेट्स पर रिकमेंड किया था। पहले रिकमेंड किया था 380 पर, फिर 413 के आसपास रिकमेंड किया था और स्टॉक अभी 433 पर ट्रेड कर रहा है इतने गिरे हुए मार्केट में भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे आपके लिए क्या स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहले हम स्टॉक के मंथली चार्ट पर स्टॉक का ट्रेंड देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां से आपको ट्रेंड क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहां से पहले यहां था, उसके बाद यहां शिफ्ट हुआ, अब यहां पर शिफ्ट हो रहा है। यानी कि इसको आप अप ट्रेंड कह सकते हैं, स्टॉक का ट्रेंड अप है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बुलिश है स्टॉक, वीकली चार्ट फ्रेम पर जाना चाहेंगे एक बार, वहां से भी देखते हैं। तो वीकली चार्ट फ्रेम पर आपको नजर आएगा स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। तो आपको यहां पे स्टॉक का एक सपोर्ट नजर आएगा 380 पर, जो कि काफी दूर हो चुका है। अब जो स्टॉक का एक सपोर्ट है वो समथिंग है 413 के आसपास। ठीक है, 416 या 13 के आसपास आप कह सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट है। आगे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 543 पर। ठीक है, डेली चार्ट फ्रेम पर देखने का प्रयास करेंगे अब इसको। तो आपको यहाँ पे डेली चार्ट फ्रेम पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन ले, थोड़ा सा करेक्शन ले, नीचे आए। वैसे संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी आपके लिए 420 के आसपास का रेंज, एंट्री रेंज बनती है 410 से 420 के बीच की। तो वही स्टॉप लॉस भी फॉलो करना चाहिए, 409 का या 8 रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। और टारगेट है आपके लिए इसमें 540 का। तो आप इसमें 540 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, लेकिन अपना खुद का एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।